माई चैनल मेरे बिन, बिन नीरज और मैं आपको बताने आई हूँ जैसे कि मैंने आपको रात में ही कर दिया था नो इन्फॉर्म कर दिया था कि आपका जो शेड्यूल है वो आ चुका है सेकंड राउंड की काउंसलिंग का कब से कब तक है मैं आपको दोबारा से बता दे रही हूँ कब से कब तक है देखिए ऑनलाइन पंजीकृत आपका स्टार्ट हो जाएगा बाईस तारीख से छब्बीस तारीख तक रहेगा दो बजे से दो बजे तक ठीक है उसके बाद में ऑनलाइन पंजीकृत शुल्क जमा होता है जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो जमा होगी आपकी वो भी बाईस से छब्बीस तक होगी दो बजे से कितने बजे तक हो सकता है उसके बाद में सिक्योरिटी धनराशि है आपकी वो भी आपकी जमा होगी कितने से बाईस से सत्ताईस तारीख तक सिक्योरिटी जमा कर सकते हो सिक्योरिटी फीस अपनी अगर आपने जमा नहीं की है तो या फिर आप सेकंड राउंड में डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हो तो अब बात है कि आप आपको सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों ही जमा करनी पड़ेंगी उसके बाद ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग होगी वो आपकी अट्ठाईस से स्टार्ट है ग्यारह बजे से तीस तक है मतलब दो दिन है आपके लिए बस और दो बजे तक है उसके बाद में परिणाम घोषित करने की तिथि है दो से तीन दो से तीन मतलब दिसंबर में आ गए आप दो से तीन उसके बाद में जो आप, आपका अलाइटर्न लेटर होगा मतलब जो आपको अलॉटमेंट लेटर होगा प्रवेश होगा वो आपका पाँच से नौ तक होगा इसके बीच में आपको प्रवेश लेना है किसी भी कॉलेज में जो आपको कॉलेज मिल गया उसमें ठीक है अभी हम नीचे के कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ ले रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं वो पॉइंट्स के बारे में कौन से कौन से पॉइंट्स हैं देखो तो देखो तो पहला पॉइंट है ओके तो आपका पहला जो पॉइंट है वो तो आपको बताइए कि ये जो भी कोई भी विद्यार्थी होगा उसको ना उसने दिया हो एग्ज़ाम अटल बिहारी वाजपेयी का तभी वो पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग में ठीक है उसके बाद में देखो सेकंड पॉइंट है आपका जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर है वो आप जाएँगे इसी वेबसाइट पर इस वाली वेबसाइट पर ओके okay, इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे और और उसके बाद में आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है अलॉटमेंट रोल नंबर है वो सब डालेंगे फिल करेंगे और इसी वेबसाइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ठीक है उसके बाद में फिर दिव्यांगज वाले हैं जो लोग होते हैं ना हैंडी कैप वगैरह होते हैं उनके लिए उनके लिए अलग से आपको पता है पहले से भी उन्होंने बता रखा था कि प्रमाण पत्र वगैरह प्रवेश वगैरह तो आज के इस आज से वहाँ से आप अपना प्रमाण पत्र मान्य होगा अगर वहाँ से अगर आप ऐसा कुछ हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप करवाएँ अपना ठीक है उसके बाद देखो आपका पॉइंट है उसके बाद में ये वाला पॉइंट है कि आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी प्रारूप पर, पर ही मान्य होंगे उत्तर प्रदेश आज के बाहर के अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि जो बच्चे हैं जो बच्चे क्या हैं बाहर रहे हैं मतलब यूपी से बाहर हैं इन द सेंस कि यूपी में नहीं है यूपी में नहीं रहते हैं वो दूसरे स्टेट के हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो काउंसलिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज से अलॉट होगा ओके और जो यूपी के हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी भर सकते हैं लेकिन जो अदर स्टेट से हैं वो सिर्फ और सिर्फ से उन्हें प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज ना भरें ठीक है उसके बाद देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसी विभारती अभिभावक को काउंसलिंग आवंटन के संबंध में कोई सूचना व्यक्त करनी है तो आपको वही वेबसाइट मिलेगी उस वेबसाइट पर विजिट करते रहें मतलब डी की वेबसाइट पर विजिट करते रहें उसके बाद में देखो आपका रजिस्ट्रेशन आपको बताइए कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो कितनी होती है फाइव और बाकी जो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी पाँच हज़ार है अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से करा रखा है जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आपने सिक्योरिटी मनी नहीं जमा कर पाई थी फर्स्ट राउंड में आप तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी है ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करनी है उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है आपका ये वाला पॉइंट प्रथम चक्र के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है अगर प्रथम चक्र में आपने पंजीकरण अपना करा लिया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तो वो आपको सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मनी देनी होगी रजिस्ट्रेशन नहीं देना होगा अगर आपने सिक्योरिटी मनी भी जमा कर दी है तो आप ना रजिस्ट्रेशन फीस देंगे और ना ही सिक्योरिटी मनी देंगे ठीक है उसके बाद देखो प्रथम चकम में प्रकृति जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं जो शुल्क नहीं जमा किया है पंजीकृत शुल्क जमा करें द्वितीय तीन चक्र में का में रुतवा करें जैसे पंचीक शुल्क में आप आपने देखो पहली राउंड में आपने कहकर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दी ओनली ओन लेकिन आपने सिक्योरिटी मनी नहीं जमा की है तो आप दोबारा से सिक्योरिटी मनी जमा करें उसके बाद में आगे बढ़ें ठीक है अब देखो और भी पॉइंट है नीचे दो तीन पॉइंट और रहे हैं वो बता दे रही हूँ मैं आपको आपका ये वाला पॉइंट है ये वाला ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं वे अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क व सिक्योरिटी धनराशि जमा दूसरे चक्र की काउंसिल में कर सकते हैं जिसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया या फिर जिसने अपना सिक्योरिटी मनी भी जमा नहीं किया है तो सेकंड राउंड काउंसलिंग मतलब तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो अपना पंजीकरण और अपना जो रजिस्ट्रेशन फीस है और आपका सिक्योरिटी मनी वो दोनों जमा करनी पड़ेंगे आपको ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण के माध्यम से नर्सिंग जो आप देखो अब ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है ये वाला बोल रहा है पॉइंट कि ऐसे अभ्यार्थी वो जो क्या है जिस जिन्होंने क्या क्या कॉलेज उन्हें अलॉट हो गया था कोई भी प्राइवेट हो गया हो या फिर गवर्नमेंट हो गया हो जो भी कॉलेज अलॉट हो गया है उसके बाद में उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जो सिक्योरिटी मनी है वो जमा करनी है दोबारा से पार्टिसिपेट करने के लिए सेकंड राउंड के लिए ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके बाद में देखो ये सर जी मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसके लिए या फिर आपने एडमिशन नहीं लिया है किसी भी कॉलेज में आप कॉल आउट करा चुके हैं वो तो ऑबियस ही बात है कि आपको सिक्योरिटी मनी तो देनी होगी ठीक है तो उसके बाद में आप सेकंड राउंड की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके बाद में आपका लास्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी है पोस्ट बी एस सी नर्सिंग या बी एस सी नर्सिंग या फिर नर्सिंग एम एन एस जो भी है एम एस सी एम एस सी हाँ बिल्कुल नर्सिंग पाठ्यक्रम यू आर और ई डब्ल्यू एस देखो यहाँ पर देख लीजिए आप यू आर और ई डब्ल्यू एस के लिए फोर्टी परसेंट उन्होंने रखा हुआ है मतलब एटी अंक होने चाहिए आपके आपके एटी अंक होने चाहिए यहाँ पे ठीक है उसके बाद में जो एस सी ओ बी सी और एस टी के कैंडिडेट हैं उनके पास में थर्टी परसेंट होना चाहिए सिक्सटी मार्क्स होना चाहिए उनके तभी अवेयर होंगे मतलब इस साल की राउंड की जो उन्होंने कट ऑफ रखी है वो रखी है फोर्टी परसेंट रखी है जनरल वालों के लिए कि आपके एट्टी मार्क्स कंपलसरी होना जरूरी है उसके बाद में आपके जो थर्टी परसेंट है वो आपके यू वो क्या बोलते हैं ओबीएस ओबीसी और एसटी और एससी सी इनके लिए रखा है तो मतलब लास्ट टाइम में आपको बताया फिफ्टी परसेंट रखा था यू के लिए और फोटी परसेंट रखा था ओ वी सी एस सी के लिए तो इसलिए आपकी बार उन्होंने थोड़ा सा और डाउन कर दिया मैंने भी सोचा था मैंने कहा आपकी बार डाउन तो होगी डेफिनेटली आपको पता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाती है तो थो थोड़ा अप होती है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में थोड़ा सा वो लो रखते हैं तो दस का ऊपर नीचे किया उन्होंने और ये होना था ठीक है ये मैंने पहले भी आपको बताया था और तो बाकी आपको जानकारी लेनी है किसी वेबसाइट से तो आप सबसे पहले जाएँ अपने अपने क्या बोलता है नर्सिंग यू पी एस टी सी डॉट जी ओ वी उसके बाद डी जी एम ई इन दोनों पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कोई भी वो निजी इन्फॉमेसन आपको कहीं भेजेंगे नहीं आप सोच रहे हो कि आपके लिए खुद के लिए भेज दें नहीं भेजेंगे वो किसी भी वेबसाइट पर भेजेंगे और वेबसाइट उन्होंने दे रखी है कि इन दोनों वेबसाइट पर वो सारी इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे तो प्लीज़ आप किसी के भी चक्कर में ना पड़ें अगर कोई आपको डायरेक्टली कुछ भेजता है तो आप उसके चक्कर में ना आएँ ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाई टेक केयर आपका कोई डाउट हो तो मुझे बताना जरूर कि आपका कोई डाउट है जो आप नहीं कर पा रहे हो और मैं आपको बता दिया सब कुछ मैंने बता दिया ऑलरेडी तो आप प्लीज़ देख लें इस वीडियो को